नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। अप्रैल में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव कराने पर विचार कर रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से हुए नुकसान को कम किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व संगठनात्मक चुनाव पर विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी भी पार्टी के नेताओं को संकेत नहीं दिया है वे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं। गौरतलब है कि राहुल ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी। पार्टी के एक करीबी नेता ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं तो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा एक संभावित उम्मीदवार हो सकती है। गांधी परिवार से इतर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उम्मीदवारों के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पद का चुनाव रोचक हो सकता है। हालांकि पार्टी में कुछ लोगों का कहना है कि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभावना यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम जैसे प्रमुख राज्यों में आने वाले चुनाव के बाद होंगे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।